हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किमी आइडियाज़। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज की हमारी रेसिपी है बादाम का हलवा। जैसा कि हम जानते हैं कि बादाम एंटीऑक्सीडेंट है और उसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, तो आज चलिए आज हम बनाते हैं बादाम का हलवा। बादाम का हलवा बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। बादाम, इसको मैंने भिंगो लिया था और इसको छील लिया है अच्छे से। फिर शुगर लिया है मैंने, फिर 1 कप मिल्क लिया है और केसर को हमने भिंगो लिया है थोड़ा सा कलर के लिए, और ये पिस्ता को मैंने उसको पूरा बारीक उसको पीस लिया है। अब हम इस पिसे हुए बादाम को मिक्सर ग्राइंडर में लेंगे और इसमें हल्का सा मिल्क डालेंगे और इसको पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से पीस के मैंने आलमंड का मिल्क के साथ इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। मैंने इसमें 5 बड़े स्पून घी ले लिया है। घी गर्म हो जाने के बाद फिर हम इसमें ये रेडी किया हुआ इसमें पेस्ट ऐड कर लेंगे। और फिर हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। इस तरह से इसको चलाते हुए हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हमें भूनना है। इस तरह से इसको लगभग 2 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें ये केसर ऐड कर लूँगी सो दैट इसमें इसका कलर अच्छे से आ जाए, और फिर इसको ब्राउन कलर होने तक इसको भूनूंगी, गोल्डन ब्राउन होने तक। जैसा कि देख सकते हैं कि इस पेस्ट का कलर अब थोड़ा डिफरेंट होने लगा है, तो अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे। अब इसका कलर गोल्डन ब्राउन ऑलमोस्ट हो चुका है, तो अब हम इस स्टेज पे इसमें शुगर ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पे 5 स्पून के आसपास शुगर ले रही हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम ले सकते हैं। अब हम इसको शुगर के साथ इस तरह से मिला के 2 से 4 मिनट तक के लिए चलाते रहेंगे इसको। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बादाम के पेस्ट में चीनी ऑलमोस्ट अब घुल चुका है। इसको हम 2 मिनट के लिए और भूनेंगे, इसके बाद हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। अब ये हो चुका है तो अब हम इसमें दूध ऐड कर लेते हैं। दूध ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ी देर अच्छे से पकने देंगे। बादाम का हलवा बनाते टाइम में हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि हमें इसको हमेशा चलाते रहना है, चाहे वो भूनने टाइम हो या फिर शुगर ऐड करने के बाद या फिर मिल्क ऐड करने के बाद, लेकिन हमें इसे हमेशा चलाते रहना है। अगर हम इसको चलाते नहीं रहेंगे तो ये नीचे पकड़ लेगा और ये बादाम बहुत जल्दी कढ़ाई में चिपकने लगता है, तो ये जले नहीं, इसके लिए हमें हमेशा इसको चलाते रहना होगा। अब हमारा बादाम का हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो अब हम इस स्टेज पे इसमें बारीक पिसा हुआ ये पिस्ता हम ऐड कर लेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये अब बन चुका है, तो अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। मैंने इसको सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसको इस तरह से बारीक पिसा हुआ पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। ये हमारा बादाम का हलवा बनके रेडी है। आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्किमी आइडियाज़ को। थैंक यू।